मधुपुर उपचुनाव के मतदान समाप्ति के पश्चात रविवार 18 अप्रैल को सामान्य प्रेक्षक एचपीसीएल सरन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजनी, पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से स्ट्रांग रूम पहुंचकर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की उपस्थिति में चरकी पहाड़ी स्थित स्ट्रांग रूम को सील किया गया। आगामी 2 मई को मतगणना के दिन सभी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, जिसके पश्चात काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजनी द्वारा जानकारी दी गई कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिहाज से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर घुसने की इजाजत किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। और दूसरी ओर काउंटिंग को लेकर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए वीडियो और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी होगी और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम वाले परिसर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए राउंड द क्लॉक सुरक्षा कर्मियों के साथ एक राजपत्रित अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी की भी तैनाती की गई है। ईवीएम व वीवीपैट स्ट्रांग रूम में सील, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजनी ने मधुपुर उपचुनाव 2021 के शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान संपन्न होने पर मतदान कार्य संपादित करने के लिए सभी नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदान कराने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मतदान सुचारू ढंग से संपन्न कराने एवं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का भलीभांति निर्वहन किया। वहीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया गया। वहीं दूसरी ओर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.